कमलेश कुमार कमलेंदू, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, ग्रेजुएट स्कूल कॉलेज फोरो में जमशेदपुर। आज हम लोग फिर यूजी सेमेस्टर 5 के इलेक्टिव कोर्स डीएससी 1 में उपस्थित हैं। यह पेपर यूरोप का इतिहास है जिसको 15वीं से 18वीं शताब्दी तक इस संबंध में पढ़ना है। इसके पहले हम लोग पुनर्जागरण के संबंध में पढ़े, उसमें पढ़े थे पुनर्जागरण के उत्पत्ति का कारण क्या था, पुनर्जागरण आने से किस तरह से सामंतवादी व्यवस्था खत्म हुआ, मध्ययुग का अंत हुआ, आधुनिक युग का शुरुआत हुआ। आज हम पुनर्जागरण के महत्व, पुनर्जागरण के उपलब्धि के संबंध में हम पढ़ेंगे कि पुनर्जागरण का प्रभाव पूरे विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा। पुनर्जागरण अगर कहें तो एक युगांतकारी घटना थी जिसने पूरे यूरोप ही नहीं विश्व को प्रभावित किया। यह ऐसी घटना थी जिसमें सामंतवादी युग का समाप्ति हुआ, चर्च का प्रभाव खत्म हुआ और आधुनिक युग का आगमन हुआ जिसमें ज्ञान विज्ञान, कला कौशल, भाषा और साहित्य और व्यापार एवं वाणिज्य के क्षेत्र में पूरी तरह से विकास हुआ। अगर सच मायने में कहें तो पुनर्जागरण का काल में चतुर्दिक विकास हुआ जिसमें आधुनिकता का लोगों के मानव मस्तिष्क में आधुनिकता का विचार का फैलाव हुआ, बौद्धिक जागरण हुआ, बौद्धिकता का धरातल पर लोग पहुंचा। पहले लोग बिल्कुल बात कर रहे थे, परलोक की बात कर रहे थे, अपने जीवन को सुधारने के लिए चर्च पर निर्भर थे, चर्च तरह तरह के अत्याचार करते थे, लोगों को ईश्वर तक पहुंचाने के लिए एक मोटी रकम वसूलते थे। लेकिन जब पुनर्जागरण हुआ तो लोग आध्यात्मिकता की जगह पर भौतिकवाद की बात करने लगे, वर्तमान के जीवन को संवारने का काम करने लगे कि हमारा वर्तमान जीवन किस तरह से सुधरेगा, किस तरह से अच्छा होगा। पहले लोग परलोक की ज़्यादा चिंता करते थे लेकिन पुनर्जागरण ने लोगों के जीवन में एक नया आयाम लेके आया और एक नई विश्वास लेके आया जिसका प्रभाव पूरे कला कौशल, दर्शन, साहित्य, भाषा पर पड़ा और लोग एक नए जीवन की शुरुआत के दौर में आए। और इसका प्रभाव के संबंध में हम अभी चर्चा करेंगे, जिसमें पहला हम बात करते हैं कि इस पुनर्जागरण के आने से, पुनर्जागरण के विकास से अंधविश्वास की समाप्ति हुई। लोगों के मन में जो एक चर्च और सामंतवादी व्यवस्था से लोग जो गुजर रहे थे, लोगों के मन में जो एक भय था, अंधकार की बात थी, लोग परलोक की बात करते थे, डरते थे, सामंतवादी व्यवस्था में लोग अपने काम को हमेशा बिल्कुल दक्यानुषी विचार से करते थे, कट्टरपंथी विचारधाराओं के दौर से गुजर रहे थे, उस विचार का समाप्ति हुआ। लोगों में वैज्ञानिकता का विकास हुआ, वैज्ञानिक दृष्टिकोण आया और लोग अध्यात्मवाद की चर्चा की जगह पर भौतिकवाद की बात करने लगे। इस तरह से एक अंधकार की बात जो थी लोगों में कि हम ईश्वर की प्राप्ति करेंगे तो हमको मोक्ष मिलेगा, यह बात था, तय था। लेकिन धीरे धीरे लोगों के मन में चर्च के प्रति जो चर्च का जो साम्राज्य था वह खत्म हुआ और लोग अपने आप पर विश्वास करके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से लोगों का विकास हुआ और इस विकास के दौर में एक मानवतावाद का विकास हुआ। मानव जो हम बात करेंगे कि किस तरह से मानवतावाद लोगों के दिमाग में आया और इससे लोगों के कला और साहित्य के विकास भी हुआ। तो दूसरा, जब अंधविश्वास लोगों के मन से खत्म हुआ तो दूसरी हुआ मानवतावाद का विकास। इससे लोगों के मन में अनेक तरह की साहित्य की रचना शुरू हुई, लोगों ने भौतिकवाद की ओर ध्यान दिया, ज्ञान विज्ञान की ओर लोग अपने साहित्य की रचना करने लगे, अनेक तरह के दर्शन का विकास हुआ और मानवतावाद के ऐसी एक आशा लेकर लोगों के दिमाग में आया। यह गुण इस तरह से आया कि लोग वैज्ञानिकता के दृष्टिकोण से, यानी कि विज्ञान के दृष्टिकोण से किसी चीज़ों को परखने लगे, लोग तर्क के द्वारा किसी चीज़ की कसौटी पर कसने लगे, तर्क के जिस दक्यानुषी और कट्टरपंथी विचारधारा जो पहले से विद्यमान था उसके जगह
तर्क आ गया। अब तर्क की कसौटी पर लोग कस के आप देखेंगे किस तरह से बोलोगनाथ विश्वविद्यालय में इस पुनर्जागरण की शुरुआत हुई, उसमें तर्क का महत्वपूर्ण स्थान था। और कई ऐसे लेखक हुए, कैसे ऐसे विचारक हुए जिन्होंने अपनी लेखनी से इस मानवतावाद का विकास के क्रम को आगे बढ़ाया। और धीरे धीरे हम देखेंगे कि लोगों के इस तरह से हम देखते हैं कि वैज्ञानिक अन्वेषण हुए, और जिस तरह से हम देखते हैं कि यह अंधकार का युग जैसे खत्म हुआ, लोगों के मन से जो पुरानी विचारधारा थी, परंपरावादी विचारधारा थी, उसका समाप्त हुआ। तीसरा बात, जब हम देखते हैं कि लोगों में कला और साहित्य का विकास हुआ, इस क्षेत्र में लोग नए नए कला के दृष्टिकोण से नए नए चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला के क्षेत्र में विकास हुआ, और अनेक तरह की साहित्य की रचना की जाने लगी। रोमन साहित्य का, यूनानी साहित्य का विकास हुआ, देसी भाषा में लोग अपने साहित्य की रचना करने लगे। इससे कला और साहित्य एक नए आयाम को प्राप्त हुआ, एक नया, हम देखेंगे कि लोगों के एक आध्यात्मिक धरातल पर पहुंचा। कैसे? तो लोग ने कला में जो चित्र पहले ईसा मसीह और मरियम की बनता था, अब धीरे धीरे अन्य दृष्टिकोण से भी लोगों ने कला के को अपनाया, जिसके चित्रकला में हम देखेंगे कि तीन जो चित्रकार थे वह लियोनार्डो दा विंची और माइकल एंजेलो और राफेल जैसे चित्रकार विश्व प्रसिद्ध हुए, जिसमें हम देखेंगे लियोनार्डो दा विंची तो एक ऐसा चित्रकार था जो एक अद्भुत वैज्ञानिक भी था, एक साहित्यकार भी था, एक कलाकार भी था और एक चिकित्सक भी था। तो ऐसे हुए माइकल एंजेलो जो लास्ट जजमेंट लिखा, मोनालिसा जो लियोनार्डो दा विंची का एक अद्भुत कृति है। तो इस तरह से कला और साहित्य के विकास से लोगों को एक एक मन की बात दूसरे को कहने का भी मौका मिला, और दूसरे देशों में लोगों में विचारधारा का भी विकास हुआ। मैंने एक हम अगर कहें तो एक देश के साहित्य का दूसरे साहित्य को दूसरे देशों के साहित्य में प्रसार हुआ, जिसमें एक साहित्य में जो डिवाइन कॉमेडी लिखा दांते ने, वह अद्भुत रूप से प्रसिद्ध हुआ, और केवल फ्रांस में नहीं पूरे दुनिया में उस किताब को पढ़ा जाने लगा। इसके बाद हम देखते हैं कि पुनर्जागरण का सबसे चौथा जो प्रभाव पड़ा वो राष्ट्रीयता का प्रभाव पड़ा। लोगों के अपने देश के प्रति, अपने राज्य के प्रति सम्मान की भावना, प्रेम की भावना जगा, लोगों में एकीकरण की भावना आया। अब जो लोग बड़े बड़े उद्योग लगा रहे थे, उद्योगपति थे, वे अपने बहुत सारे वस्तुओं को बनाकर जिस आर्थिक समृद्धि की ओर बढ़े, वह देश पर भी खर्च करने लगे, और देश में एक तरह से अपनापन की बात हुई और राष्ट्रीयता, राष्ट्रीय जागरण का बात हुआ। और जिस पहले जो चर्च के डर से, सामंतवादी व्यवस्था से जो लोग डरते थे, अब वह अपने देश में देश के लिए बेझिझक काम करने लगे, और सैनिकों में बड़े पैमाने पर लोग भर्ती होने लगे, और अपने देश के विकास के लिए उन्होंने राज की नई अवधारणा एक विकसित हो गई। और हम बात करेंगे व्यक्ति और राज के संबंध जो है, वह आपस में संबंध जो एक बना, वह पुनर्जागरण का कहें तो एक बड़ा दिन था। पुनर्जागरण का एक बहुत बड़ा प्रभाव आर्थिक दृष्टिकोण से हुआ, देश में आर्थिक समृद्धि आई। पुनर्जागरण से धीरे धीरे हम देखेंगे जिस तरह से एक पहले सामंतवादी अर्थव्यवस्था था, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था था, जो अब मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था हो गया। अब उद्योग बड़े पैमाने पर उद्योग, बड़े बड़े उद्योग स्थापित हुए, उसमें लोगों को काम करने का मौका मिला, रोजगार का अवसर मिला, और लोगों के पास में संपत्ति आने लगी, और उसमें एक मध्यम वर्ग का भी उदय हुआ। ये मध्यम वर्ग बौद्धिक वर्ग थे, ये मध्यम वर्ग में शिक्षित वर्ग थे, तो आर्थिक विकास होने से इन लोगों ने अपने धन को देश के विकास पर खर्च करना शुरू किया, जिससे आर्थिक समृद्धि भी आई, और लोगों ने तरह तरह के दूसरे देशों से यात्राएं भी करने लगे, अपने वस्तुओं को विदेश भी भेजने लगे। आर्थिक समृद्धि से बहुत ऐसे सामान बनने लगे जिससे बाजार की आवश्यकता महसूस हुई। तो इस तरह से हम देखते क्या है कि भौगोलिक यात्राएं भी शुरू हुई। तो पुनर्जागरण का एक प्रभाव भौगोलिक यात्रा से भी हुआ, भौगोलिक खोज से हुआ। बहुत सा इसमें पुर्तगाल और स्पेन के जैसे देश काफ़ी आगे थे, इन लोगों ने अपने साहसी कार्यों के लिए लोगों को भेजना शुरू किया, और अपनी जो देश के बनी वस्तुएं थे उसको बाहर भेजना था, बाजार में भेजना था, इसलिए उसने अनेक देशों की भी
खोज की और मार्ग प्रशस्त हुआ, जिस तरह से हम देखेंगे कि 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा भारत के कालीकट पहुंचा और एक रूट का पता चला और अपने सामानों से दूसरे देशों में जाकर बेचा। इससे क्या हो गई, तो एक देश दूसरे देशों के संपर्क में हुआ और आयात निर्यात की बात हुई, तो भौगोलिक यात्रा से कई देशों के रूट का तो पता चला ही, और जिस देश के बारे में हम नहीं जानते थे वह विश्व मानचित्र पर उभर कर आया। ये पुनर्जागरण की सबसे बड़ी देन थी कि लोग का संपर्क बढ़ा, आदमी एक देश से दूसरे देश जाने लगे खोज करने के लिए, ये भौगोलिक यात्राएं भी शुरू हुई। और सच माने में कहे तो धीरे धीरे यहाँ से एक उपनिवेशवाद भी शुरू हुआ। इससे उपनिवेशवाद का शुरुआत हुआ, लोग दूसरे देशों में आकर दूसरे देशों पर कब्जा भी करने लगे और ये उपनिवेशवाद बहुत दिनों तक चला, जिस तरह से भारत भी ब्रिटेन का उपनिवेशवाद रहा। इसके लिए सबसे बड़ी एक बात और आई कि नारी की शक्ति में विकास हुआ, नारियों की स्थिति में परिवर्तन हुआ। सामंतवादी व्यवस्था जब था मध्य युग में, नारियों की स्थिति यूरोप महादेश में अगर कहें तो बहुत खराब थी। वहाँ पर लोगों को न तो नागरिकता संबंधी कोई अधिकार था, उसको वंचित रखा जा रहा था। मानवोचित गुण की बात करें, मानवतावाद के गुण की बात करें, तो पुरुषों से स्त्रियों में भिन्न रखा जा रहा था। व्यापारिक वर्ग में तो स्त्रियां कुछ भाग भी ले लेती थी, लेकिन बुद्धिजीवी वर्ग में, संभ्रांत वर्ग में, हम अगर कहें मध्यम वर्ग में, स्त्रियों को कोई स्थान नहीं था। वह घर के में ही कामकाज में फंसी रहती थी। इसी बात को लेकर, स्त्रियों के इन तथ्यों को लेकर हम बात करेंगे कि एक किताब लिखा गया द कोर्टियर, और उस कोर्टियर में उन्होंने, हम बात करेंगे कि लिखने वाले कास्टिलियोनी ने एक किताब लिखा और किताब का नाम था जिसका कि द कोर्टियर, और एक महिला थी बेनिस की, अगर हम कहें तो वो उस महिला का नाम था कसांद्रा फेदेर। ये स्त्रियों के विचार को आगे बढ़ाया, ये खुद पढ़ी लिखी महिला थी, एक बौद्धिक संभ्रांत महिला थी, और उन्होंने स्त्रियों के बातों को उठाया और उसने कहा कि क्या मानवतावाद के गुण स्त्रियों में नहीं हो सकता, क्या पुरुषों से हम भिन्न नहीं हैं। इनके विचारों को लेकर व्याख्यान के लिए पटुआ विश्वविद्यालय में बुलाया गया, ये व्याख्यान दी, और इन्होंने बेनिस के गणतंत्रीय व्यवस्था में स्त्रियों को जो हे दृष्टि से देखा जाता था, घृणा के दृष्टि से देखा जाता था, उस पर उन्होंने आवाज़ उठाई कि ऐसा नहीं होगा। और फिदिल की बातों को दूर दूर तक लोगों पर असर पड़ा। इसी तरह इसाबेला एक महिला थी जो अपने पति की अनुपस्थिति में राजकाज भी चलाया। तो हम यह कह सकते हैं कि पुनर्जागरण में महिलाओं की स्थिति भी मजबूत हुई, धीरे धीरे महिलाएं भी राजनीति में भाग लेने लगी, और समाज के अन्य कार्यों में साहित्यिक दृष्टिकोण से हो, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हो, उसमें वह भाग ली। और बाद में हम देखेंगे कि ये जो व्यवस्था आया उसमें धर्म एवं चर्च पर भी इसका प्रभाव पड़ा, और इस तरह से चर्च पर प्रभाव पड़ने से उसका जो अंकुश था, क्या संकीर्णता विचार थी, वह खत्म हुआ। लोगों में अब अध्यात्मवाद की जगह जो भौतिकवाद आया, इसमें लोग अपने धर्मों की बात पर, पादरियों की स्वच्छंद और अनैतिक आचरणों पर भी रोक लगा। लोगों में अब था कि उनमें जो धन लुलुपता थी, पोपों में जो धन लुलुपता आ गई थी, उस पर उंगली उठाई गई, लोग स्वच्छंद धर्म की बात करने लगे। और इस तरह से हम देखेंगे कि इसी परिस्थिति में प्रोटेस्टेंट आंदोलन भी शुरू हुआ। मार्टिन लूथर जैसे लोगों ने इस तक के अनुसी विचारों का विरोध किया। तो इस तरह से हम पुनर्जागरण के प्रभाव को देखते हैं कि कला, साहित्य और चित्रकला, मूर्तिकला पर उसका प्रभाव पड़ा। बड़े बड़े चित्रकार जो हुए, मोनालिसा जैसी कृति बनी। हम बात करेंगे साहित्य और दर्शन में कई वैज्ञानिक हुए, जिसमें कोपरनिकस, बहुत केपलर, गैलीलियो जैसे खगोल शास्त्री हुए। गैलीलियो तो इतना उनको फांसी मिला कि वह उनका कहना था कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है, लेकिन चर्च का कहना था नहीं, सूर्य पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है। तो इस परिस्थिति में गैलीलियो साहब सही कहे थे, लेकिन विचारों की इतनी दकियानुसी था, इतनी चर्च का वर्चस्व था राजनीतियों पर कि उनको फांसी की दे दी गई। लेकिन बाद में लोगों ने, न्यूटन जैसे वैज्ञानिक ने बल की परिभाषा दिया। हम देखेंगे इसी तरह आर्किमिडीज भी साइंटिस्ट हुए, उन्होंने लोगों के लीवर का सिद्धांत दिया,
और साहित्य के दृष्टिकोण से कहे तो यूटोपिया जैसे किताब टॉमस मूर ने लिखा, शेक्सपियर जैसे लोग हुए जो अनेक किताबों को लिखकर आज भी अमर हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि पुनर्जागरण ने एक नए मार्ग को प्रशस्त किया, एक नए जीवन आयाम को प्रस्तुत किया, जिस पर आज पूरी एशिया महादेश भी, भारत ही नहीं पूरे विश्व की बात, यूरोप महादेश से लेकर एशिया महादेश और सारे महादेशों में लोग पुनर्जागरण से प्रभावित हुए और अपने जीवों को उपार्जन की जो साधन चुना वह श्रेष्ठ रहा। और हम इसी के साथ हम देखेंगे इसमें कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी बन सकते हैं, कुछ किताबों के नाम, कलाकार मूर्तिकारों के नाम भी हम जान लेंगे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और इस तरह से हम पुनर्जागरण के प्रभाव को देखें। धन्यवाद।